दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल TDS एंड TCS को लेकर के मल्टीपल इश्यूज को फेस करते हैं, लाइक TDS क्या है, TCS क्या है, TDS एंड TCS के रेट्स क्या है, किन किन पेमेंट्स या सर्विसेज पे ये एप्लीकेबल होता है, इसको ऑनलाइन किस तरीके से प्रैक्टिकली पेमेंट किया जाता है, पेमेंट करने के बाद में हम उसका चलान स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपने TDS या TCS का पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ पेमेंट करने के बाद में जब TDS का रिटर्न फाइल करना होता है तो उसको किस तरीके से हम लोग फाइल करेंगे, मतलब ये कि पूरे TDS रिटर्न पे किस तरीके से डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, और अगर हमने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके ऊपर हमको क्या लेट फी या पेनल्टी आ सकती है, इसके अलावा हम उस पेनल्टी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली रिटर्न फाइल करने के बाद में हमको TDS या TCS सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करना होता है, इसके अलावा 26A स्टेटमेंट को हम किस तरीके से रिकनसाइल कर सकते हैं हमारे AIS के साथ साथ में, इन तमाम इश्यूज को देखते हुए हमने इंट्रोड्यूस किया है TDS एंड TCS कंप्लीट कोर्स, जिसमें हमने रखा है टोटली 5 मॉड्यूल्स, और ये 5 मॉड्यूल पैक्ड विद नॉलेज है, मींस इसको लर्न करने के बाद में आप बन जाओगे TDS एंड TCS में टोटली मास्टर्स। इतना ही नहीं, टैक्सेशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशन आता है और लॉ में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाती है, तो इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि इसमें आपको वैलिडिटी मिलने वाली है लाइफ टाइम, मतलब ये कि जो भी टैक्सेशन में अपडेट्स आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, सर्कुलर्स आ रहे हैं, तो इसका तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इतना ही नहीं, आपकी लर्निंग को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए हमने अवेलेबल किया है आपके लिए डिजिटल नोट्स, जिसे रिफ़र करके आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको कोर्स का डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। सो फाइनली अगर आप TDS और TCS में मास्टर होना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माई मास्टर क्लास ऑफ TDS एंड TCS। सो आई विल सी यू इन द सेशन। थैंक यू।